अगर यूसीसी इतना ज्यादा जरूरी है तो पूरे देश में ही लागू कर दीजिए और उसका विरोध देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि यूसीसी जरूरी है कि नहीं, क्योंकि जॉनसार को लेकर खास तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसटी इलाकों के अंदर उसको अभी छोड़ दिया है, वो इसके परिधि में नहीं आए हैं। श्री महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी आधा अधूरा यूसीसी ला रहे हैं आप? आधा अधूरा नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द एजुकेशन। जॉनसार क्षेत्र को आपने अलग क्यों किया, अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए आप महाराज जी? इसके अंदर आप जानते हैं कि एसटी एससी के बड़े नियम है, तो धीरे धीरे सुधार उसमें भी आएगा। क्या विरोध का डर था या विरोध हो रहा था इस मामले को लेकर, इसलिए सरकार ने कहा कि अभी ये विरोध? इसमें विरोध नहीं है। आप लोग सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके यूसीसी को लेकर आ रहे हैं और चाहे 24 का संदेश देना हो, यही आपका मकसद है? कोई भी व्यक्ति नाजायज नहीं होगा, चाहे सरोगेट मदर से हो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, उसको आप नाजायज नहीं कह सकते हैं। आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना लिया, अगर चाहते तो पूरे देश में एक नियम एक कानून लागू कर दीजिए ना। उत्तराखंड में यूसीसी जरूरी है, लेकिन लोकायुक्त जरूरी क्यों नहीं है? लोकायुक्त को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, यूसीसी जो है उसको लाने के लिए गंभीर है। लोकायुक्त पर आपकी सरकार जो है संशय बना कर रही है। सही समय पर सब कुछ होगा, चिंता ना करिए। यूसीसी के नाम पर वोट मांगेंगे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज बात हो रही है यूसीसी की, देश की निगाहें उत्तराखंड पर बनी हुई है और यूसीसी के लिहाज से इतिहास के पन्नों में आज उत्तराखंड का नाम दर्ज हो गया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड की सियासत का जाना माना चेहरा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद हैं और सीधा उन्हीं के पास रुक कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। नमस्कार चावला जी। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं जी। तो बधाई हो और आपको। देवभूमि से हम लोग यहां बैठे हुए हैं विधानसभा में और ये यूसीसी का कानून पास हो रहा है जी। महाराज जी, बधाई हो आपको, ऐतिहासिक क्षण है। हाँ, बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ की देवभूमि से जी, तो आज उसी को हम यहाँ पर ला रहे हैं और इतिहास की यहाँ पुनर्वृत्ति हो रही है जी। उस समय देश बंटवारा हो रहा था तो उचित समय नहीं समझा गया, आज उचित समय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ यूसीसी लाने के लिए। महाराज जी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त उत्तराखंड की तरफ देख रहा है और इतिहास का क्षण है और ऐतिहासिक नजरिए से आप उस लम्हे के गवाह भी बन रहे हैं, और देश ही नहीं उत्तराखंड भी ये जानना चाहता है कि अब यूसीसी जब उत्तराखंड की पहचान बनेगा तो क्या बदलेगा उत्तराखंड में? उत्तराखंड के अंदर जो नारी सशक्तिकरण होगा, यहाँ महिलाओं को और ताकत मिलेगी, बाल विवाह समाप्त होंगे, कुरीतियाँ समाप्त होंगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज यूसीसी जो है दुनिया के कई देशों में लागू है। ये सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में और कनाडा के अंदर यूसीसी लागू है जी। हमारे देश के अंदर गोवा के अंदर यूसीसी लागू है, पर यह उस समय लागू हुआ था जब गोवा पोर्चुगीज के नीचे था जी। आजाद भारत के अंदर उत्तराखंड देवभूमि पहला राज्य है जो यूसीसी को पास करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मसला यहां पर एक सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना लिया, अगर चाहते तो पूरे देश में एक नियम एक कानून लागू कर दीजिए ना, बात ही खत्म हो। उत्तराखंड जो पास करेगा वो पूरे देश के अंदर धीरे धीरे लागू होगा। निश्चित रूप में प्रयोगशाला नहीं बना है, बल्कि ये जहां पर से गंगा बहती है, जहां पर यमुना बहती है और जहां पर सरयू नदी का उद्गम है, ऐसी देवभूमि से आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि यहाँ तो जो हमारे प्रभु हैं वो सारी दुनिया पर कृपा करते हैं। हमारा तो यही नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला हो। और ये जो यूसीसी है सबका भला करने के लिए ही पास किया जा रहा है। देश देवभूमि, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाली शताब्दी जो है वो जो है उत्तराखंड की होगी, तो आज उत्तराखंड को ये गौरव मिला हुआ है निश्चित रूप में, और यहां से ये फाइल करके पूरे देश के अंदर लागू होगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, उत्तराखंड नजीर बनेगा देश के लिए, ये सभी चाहते हैं और इसकी उम्मीद भी रखे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि आप लोग सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके यूसीसी को लेकर आ रहे हैं और चाहे 24 का संदेश देना हो, यही आपका मकसद है, जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। आप ये देखेंगे कि विपक्ष जब इसका अध्ययन करेगा और सारी बातों की चर्चा आज विधानसभा में हो रही है,
तो विपक्ष की जो शंकाएं हैं वो भी निर्मूल होती जा रही हैं, और धीरे धीरे विपक्ष को समझ में आ रहा है कि यूसीसी देश के लिए कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। ये हमारे यहाँ जॉनसार के अंदर पॉलीएंड्री होती है, मैं उसी की बात कर रहा था महाराज जी, क्योंकि जॉनसार को लेकर खास तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और आप तो पूरे उत्तराखंड में हमने उसको धीरे धीरे एजुकेशन के जरिए, वो भी समाप्त हो रही है, पर उसको हमने पर्याप्त समय दिया है, और हमने एसटी इलाकों के अंदर उसको अभी छोड़ दिया है, वो इसके परिधि में नहीं आए हैं। इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कुछ लोगों को संरक्षित किया गया है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो रहा है, आज वो पॉलीएंड्री भी समाप्त होती जा रही है। यानी महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि अभी आधा अधूरा यूसीसी ला रहे हैं आप? आधा अधूरा नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द एजुकेशन। हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे लोगों में एक ये विचार आएगा कि समान नागरिकता आनी चाहिए देश के अंदर, वैसे वैसे हम तैयार होते जाएंगे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे देश के अंदर देश बदल रहा है नारी को ताकत देने के लिए। अभी लिविंग रिलेशनशिप के अंदर हम इसको लाए हैं, परिधि में लाए हैं कि आपको लिविंग रिलेशनशिप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ताकि धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, तो उन सब चीजों को हम लोग पंजीकृत करा रहे हैं। नहीं, जॉनसार क्षेत्र में बड़ी चर्चा का विषय भी बन गया था, तो फिर ये जॉनसार क्षेत्र को आपने अलग क्यों किया, अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए आप महाराज जी इसको? ये पहले भी हमारे संविधान के अंदर ये छोड़ा गया है, उसी को हमने सम्मान दिया है, और इसके अंदर आप जानते हैं कि एसटीएससी के बड़े नियम हैं, तो धीरे धीरे सुधार उसमें भी आएगा, पर अभी उसको हमने अलग रखा है, और बाकी लोगों के लिए इसमें जो उनकी रीति रिवाज हैं उनको मान्यता दी गई है, उनको पूरा सम्मान दिया गया है इसमें। क्या विरोध का डर था या विरोध हो रहा था इस मामले को लेकर, इसलिए सरकार ने कहा कि अभी ये विरोध? इसमें विरोध नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति नाजायज नहीं होगा, चाहे सरोगेट मदर से हो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, उसको आप नाजायज नहीं कह सकते हैं, तो व्यक्ति को सम्मान भी दिया गया है, और बहुत सी बातें आधुनिक जगत के मुताबिक इसमें रखी गई हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में यूसीसी लागू है, उन देशों में यूसीसी लागू है, हमारे उत्तराखंड में भी लागू हो रहा है, और आगे ये पूरे देश में भी लागू होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और धामी जी को भी बधाई देता हूँ इस ऐतिहासिक क्षण को उपलब्ध कराने के लिए। महाराज जी आप सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं, आपकी एक अलग पहचान और एक अपना एक ऑरा भी है, ना सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेश में भी। तो मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, उदाहरण के तौर पर अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं एसटी हसन साहब, सांसद हैं, उनका कहना यह है कि हम शरिया कानून से चलते हैं और चलते रहेंगे, और अगर यूसीसी इतना ज्यादा जरूरी है तो पूरे देश में ही लागू कर दीजिए और उसका विरोध देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि यूसीसी जरूरी है कि नहीं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि संविधान सभा में कुछ मुस्लिम सदस्य जैसे मोहम्मद इस्माइल खान, नजरुद्दीन अहमद, पोकर साहब बहादुर आदि के, उन्होंने भी समान नागरिक संहिता को इसका विरोध नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि देश बंटवारा, क्योंकि देश का बंटवारा इस समय हो रहा है, इसलिए उचित समय में समान नागरिकता संहिता लागू जो है की जाएगी, और इसके लिए जो अपॉर्चून मोमेंट है, उपयुक्त समय जो है ढूंढा जाएगा। तो इसलिए लोगों ने इसको अंगीकार किया है, और निश्चित रूप में जब ये आपके सामने कानून आएगा तो उसका अध्ययन करने के बाद ये लोग इसको समझेंगे कि इसमें क्या फायदे हैं। मैंने बहुत से मुस्लिम महिलाओं से बात की है, उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम महिला का सशक्तिकरण करता है, महिला को सम्मान देता है, महिला की ताकत को बढ़ाता है, महिला की शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन महाराज जी ये कह रहे हैं कि भाई व्यवहारिक तौर पर इसे लागू कर पाना संभव नहीं है, व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि आपने भी अभी जॉनसार का ही जिक्र कर दिया, और व्यवहारिक समस्याएं तो है ही इसमें। इसमें आप जॉनसार को देखेंगे कि वो पॉलीएंड्री अब बिल्कुल धीरे धीरे नगण्य हो चुकी है, इतना एजुकेशन, इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, को धीरे धीरे नगण्य हो चुकी है, तो ये आचार संहिता तो धीरे धीरे आ ही रही है, परंतु फिर भी हमने सबके विचारधारा का सम्मान किया, उनके परंपराओं का, ट्रेडिशन का सम्मान किया है, और आप देखेंगे कि ये एक शुरुआत है, इतिहास रचा जा रहा है, शुरुआत है, इसमें बहुत से ऐसे नियम और प्रावधान हैं जिनकी देश को आज बहुत जरूरत है। महाराज जी मुस्लिम वर्ग को कैसे समझाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा संशय है यूसीसी को लेकर,
कि आप किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। जब ये ड्राफ्ट उनके पास आएगा और जब इस पर चर्चा होगी तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे उनकी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। जो विपक्ष जानबूझकर क्योंकि खास वर्ग को टारगेट करने का जिक्र कर रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा है, मैं आपसे अर्ज करूं, सऊदी अरब टर्की इंडोनेशिया अजरबैजान, यहां तो पॉपुलेशन ही मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर भी यूसीसी लागू हो रखा है, लोगों ने इसको स्वीकार किया है और इसके फायदे हो रहे हैं। नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है ये कि हमारा जो है यूसीसी पास हो। महाराज जी, ऐसा तो लग रहा आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया यूसीसी को लेकर, क्योंकि सर पर चुनाव है, 24 की लड़ाई भी है। और हमारे धामी जी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि हम जीत के आएंगे तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करेंगे। आज उनका जो वायदा है उन्होंने पूरा किया और जनता ने हमें जनादेश दिया है कि आप यूसीसी लागू करें। महाराज जी, लाइव में एक कमेंट भी आया, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप सिर्फ उत्तराखंड के चेहरे नहीं, आपके अनुयायी भी पूरे देश विदेश में हैं। सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, सवाल ये खड़ा कर, हृदय से सबका स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ पूरे भारत की जनता इसका स्वागत करेगी, इसका अध्ययन कीजिए। महाराज जी, शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शंकाएं दूर होंगी, पढ़ना चाहिए सबको, समझना चाहिए। लेकिन महाराज जी कह ये रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में यूसीसी जरूरी है, लेकिन लोकायुक्त जरूरी क्यों नहीं है? लोकायुक्त को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, यूसीसी जो है उसको लाने के लिए गंभीर है। लोकायुक्त पर आपकी सरकार जो है संशय बना के रखी है। सही समय पर सब कुछ होगा, चिंता ना करिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन खंडूरी में सब कुछ किया जाएगा। महाराज जी, खंडूरी जी का सपना था ना लोकायुक्त है जरूरी, जैसे खंडूरी थे जरूरी, लेकिन लोकायुक्त को लेकर अब तक कोई कदम उठते हुए दिखाई नहीं दिए। कोर्ट आदेश दे रहा है, लोकायुक्त को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। उचित समय पर उचित कदम उठाए जाएंगे, चिंता ना कीजिए। महाराज जी, यूसीसी 24 में ईमानदारी से राजनीतिक नजरिए से कितना फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को यूसीसी का मुद्दा? ये निश्चित रूप में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसमें बहुत लोगों का सम्मान रखा गया है और आने वाले जो आजकल आधुनिकता के अंदर जो लिविंग रिलेशनशिप हैं और बहुत से मामले हैं उनका समाधान है, और जो हमारे समाज के अंदर बहुत सी जो आज घटनाएं घट रही हैं, जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, उसका निराकरण करेगा। और मैं समझता हूं समाधान की तरफ एक पहला कदम है, बहुत उचित कदम है और बहुत समय पर उठाया गया है। उत्तराखंड इसका अध्ययन करेंगे तो आप खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ महाराज जी, उत्तराखंड को ही क्यों चुना गया? अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये मोदी जी का सपना था और तमाम राज्यों में आप लोगों की सरकार प्रभु राम की कृपा से, धामी जी ने पहल की और चुनाव से पहले ये वायदा किया कि उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। आज उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है और उत्तराखंड को ये गौरव मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, आज उसी इतिहास को हम रच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 के चुनाव के बाद आप तपिश चेक कर रहे हैं कि भाई कितनी तपिश है इस मुद्दे में, फिर 24 चुनाव में जीत के बाद जैसे कि पीएम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो ये राजनीतिक एजेंडे के रूप में, क्योंकि आपने 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, ज्ञान व्यापी का जिक्र हो रहा है, अयोध्या का एक अलग से पूरा आभा मंडल बदल चुका है, तो ये एक एजेंडे के तहत यूसीसी अगला कदम है बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर? दोबारा बोलेंगे तो मैं अब समझ नहीं पाया। महाराज जी, मैंने कहा कि क्या यूसीसी राष्ट्रीय स्तर पर एक अगला कदम होगा, क्योंकि पहले अयोध्या, ज्ञानव्यापी, मथुरा और फिर अब उसके बाद यूसीसी का जिक्र किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उचित समय पर उचित कदम उठाया जाएगा, यह पहल की है उत्तराखंड के अंदर, इसका सर्वत्र स्वागत हो रहा है और आप भी देखेंगे कि धीरे धीरे लोग इसका स्वागत करेंगे, इसको समझेंगे, ये लोगों के हित के लिए है, आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है उसके हित के लिए है। विपक्ष के चेहरे को कोई संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से जो विरोध कर रहे हैं खासतौर पर? विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा कि इसका अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद आप जो विरोध कर रहे हैं वो आपका विरोध नगण्य हो जाएगा, आपका विरोध निर्मूल हो जाएगा। यूसीसी के नाम पर वोट मांगेंगे कि नहीं महाराज जी? जी, यूसीसी के नाम पर वोट मांगेंगे कि नहीं? ये पार्टी का मसला है, पार्टी इसको तय करेगी। लेकिन है तो उत्तराखंड का ही मसला ना, भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। हमने तो उत्तराखंड के लिए वोट मांगा ही, हमको तो समर्थन मिला है, इसीलिए हम यूसीसी ला रहे हैं। यूसीसी हमने अपना वायदा पूरा किया। जौनसार की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जौनसार की जनता का यही संदेश है कि उनकी जो परंपराएं हैं वो सुरक्षित है और वो इस यूसी के साथ सुरक्षित रहेंगे, ऐसा विश्वास मैं उनको दिलाता हूं। महाराज जी, आपने इंडिया वॉइस के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज,
उत्तराखंड की सियासत का जाना माना चेहरा, कैबिनेट मंत्री, जिनका कहना यह है कि यूसीसी को लेकर जितने भी संशय हैं वो सभी दूर हो जाएंगे, बस एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक समान कानून है, सबको बराबर रखने की एक कोशिश। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर यूसीसी इतना ज्यादा जरूरी है तो पूरे देश में ही लागू कर दीजिए और उसका विरोध देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि यूसीसी जरूरी है कि नहीं, क्योंकि जॉनसार को लेकर खास तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसटी इलाकों के अंदर उसको अभी छोड़ दिया है, वो इसके परिधि में नहीं आए हैं। श्री महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी आधा अधूरा यूसीसी ला रहे हैं आप? आधा अधूरा नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द एजुकेशन। जॉनसार क्षेत्र को आपने अलग क्यों किया, अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए आप महाराज जी? इसके अंदर आप जानते हैं कि एसटी एससी के बड़े नियम है, तो धीरे धीरे सुधार उसमें भी आएगा। क्या विरोध का डर था या विरोध हो रहा था इस मामले को लेकर, इसलिए सरकार ने कहा कि अभी ये विरोध, इसमें विरोध नहीं है। आप लोग सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके यूसीसी को लेकर आ रहे हैं और चाहे 24 का संदेश देना हो, यही आपका मकसद है? कोई भी व्यक्ति नाजायज नहीं होगा, चाहे सरोगेट मदर से हो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, उसको आप नाजायज नहीं कह सकते हैं। आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना लिया, अगर चाहते तो पूरे देश में एक नियम एक कानून लागू कर दीजिए ना। उत्तराखंड में यूसीसी जरूरी है, लेकिन लोकायुक्त जरूरी क्यों नहीं है? लोकायुक्त को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, यूसीसी जो है उसको लाने के लिए गंभीर है, लोकायुक्त पर आपकी सरकार जो है संशय बना के सही सही समय पर, सही समय पर सब कुछ होगा, चिंता ना करिए। यूसीसी के नाम पर वोट मांगेंगे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।